नमस्कार, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं तरुण वर्ष लेकर हाजिर हूं अब तक की टॉप खबरें। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के श्री महाराजा हरि सिंह हॉस्पिटल के अंदर आतंकवादियों ने हमला कर एक पाकिस्तानी आतंकवादी नावीद जट को छुड़ा लिया। नावीद को छुड़ाने पहुंचे आतंकवादियों और पुलिस के बीच गोलीबारी भी हुई। इस हमले में 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर है। सूत्रों ने बताया कि ये पुलिसकर्मी पाकिस्तानी आतंकवादी नावीद को जांच के लिए हॉस्पिटल लेकर आए थे। इसी दौरान उसके साथियों ने पुलिस बल पर हमला कर दिया। सेना और पुलिस ने आतंकवादियों की तलाश में अभियान शुरू कर दिया है। नावीद को कुछ महीने पहले जम्मू कश्मीर के शोपियां से गिरफ्तार किया गया था। मेट्रो यात्रा के दौरान भारी और ओवरसाइज बैग ले जाने पर जल्द ही रोक लग सकती है। खबरों के मुताबिक 20 मार्च से इस योजना को लागू किया जा सकता है। 15 किलो से अधिक वजन ले जाने वाले यात्रियों को नई दिल्ली समेत कुछ चुनिंदा मेट्रो स्टेशनों पर ओवरसाइज बैग के कारण यात्रा करने से रोका भी जा सकता है। डीएमआरसी ने हाल ही में कुछ स्टेशनों पर बैग जांच करने के लिए लगाई गई एक्सरे मशीन के पास यू के आकार का मेटल बैरियर लगाया है। 5 मेट्रो स्टेशनों बाराखंबा, आनंद विहार, चांदनी चौक, कश्मीरी गेट और शाहदरा पर बड़े साइज के सामान एक्सरे मशीन के अंदर नहीं ले जाए जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ में पाकिस्तानी गोलीबारी में कैप्टन कपिल कुंडू देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। इसकी सूचना मिलते ही गांव में सन्नाटा पसर गया। कपिल के चचेरे भाई सचिन ने बताया कि 29 जनवरी को उनकी भाई से बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि मैं राजी खुशी से हूँ, मेरी फिक्र मत करना, वह 10 फरवरी को जन्मदिन मनाने के लिए गांव आएंगे। करीब 4 साल पहले कपिल के पिता का निधन हो गया था। राजौरी और पुंछ में पाकिस्तानी गोलीबारी और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों के हमले में कैप्टन कपिल कुंडू सहित सेना के 4 जवान शहीद हो गए थे। मात्र 23 साल के कैप्टन कुंडू रनसिका गांव के रहने वाले थे और अपनी मां के इकलौते लड़के थे। वेस्ट दिल्ली में पिछले हफ्ते अंकित सक्सेना की हत्या के आरोपी परिवार को लेकर नई जानकारी सामने आई है। पता चला है कि जिस लड़की को लेकर पिछले गुरुवार को हिंसा हुई, उसकी चचेरी बहन ने 3 साल पहले एक ब्राह्मण से शादी की थी। परिवार ने इसके बाद अपने रघुवीर नगर वाले घर में उसके प्रवेश पर पाबंदी लगा दी थी। चचेरी बहन अपने पति और ससुराल वालों के साथ रघुवीर नगर में ही किराए के मकान में रह रही है। गौरतलब है कि पिछले गुरुवार को लड़की के पिता, चाचा और मां ने कथित तौर पर 23 साल के अंकित सक्सेना पर हमला किया था और धारदार हथियार से गला काटकर उसकी हत्या कर दी थी। ऐतिहासिक किरदारों पर आधारित फिल्मों को लेकर राजस्थान में बवाल अब भी खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। पद्मावत के बाद अब बारी है कंगना रनौत की फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी की। इसे लेकर राजस्थान में पद्मावत जैसा ही बवाल सुलगता दिख रहा है। राजस्थान में कंगना स्टार इस फिल्म की शूटिंग हो रही है और अब राजपूत कर्णी सेना की तर्ज पर सर्व ब्राह्मण महासभा इसका विरोध कर रही है। महासभा के राज्य अध्यक्ष सुरेश मिश्रा ने राजस्थान सरकार से शूटिंग को तत्काल रोक कर यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि इस फिल्म में ऐतिहासिक तथ्यों से कोई छेड़छाड़ ना हो। तो अभी तक के लिए इतना ही। बाकी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के साथ। नमस्कार।